नमस्कार स्वागत है आप देख रहे हैं मनचाह न्यूज़ है में मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान भारत का वो लम्हा वो पल जब इंडिया 2019 के वर्ल्ड कप जीतने से सिर्फ कुछ कदम दूर रह गई थी और धोनी और टीम इंडिया के करोड़ों फैंस का सपना टूट गया था आइए हम जिक्र करेंगे उसी लम्हे का जब आज युवराज सिंह ने उस वर्ल्ड कप यानी कि 2019 के वर्ल्ड कप को लेकर एक बड़ी बात कह दी है कि भारतीय टीम में इस चीज़ की कमी थी क्या चीज़ की कमी थी आइए हम बताते हैं वीडियो में कि युवराज सिंह यानी कि सिक्सर किंग के नाम से जाने जाने वाले इंडिया के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज़ युवराज सिंह ने वो कौन सा लम्हा वो कौन सा पल याद किया है जिसके बारे में दो की यादें एक बार फिर से क्रीदने की कोशिश की है आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर भारतीय टीम को अभी भी नंबर चार पर बल्लेबाजी करने वाला कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं मिल पाया है जिस पर भरोसा जताया जा सके टीम इंडिया को पिछले कुछ मैचों में इस नंबर को लेकर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में इस जगह पर केल राहुल ऋषभ पंत विजय शंकर और दिनेश कार्तिक को आज़माया जा चुका है लेकिन इन सभी बल्लेबाजों ने अपने स्थान को पुख्ता नहीं कर पाया है और टीम अभी लगातार कोशिश करती आ रही है कि चौथे नंबर का वो कौन सा बल्लेबाज है जो इंडिया टीम के लिए सबसे बेहतरीन परफॉर्मर बनकर निकलेगा लेकिन एक भी खिलाड़ी इस नंबर पर प्रदर्शन नहीं कर पाया अब एक इंटरव्यू के दौरान भारत के पूर्व खिलाड़ी और सिक्सर किंग के नाम से जाने जाने वाले युवराज सिंह ने कहा है कि यही कारण था कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2019 जीत नहीं पाई और टीम मैनेजमेंट ने भी इसके लिए कुछ नहीं किया युवराज सिंह के इतना कहने के पीछे और भी कारण है क्योंकि युवराज सिंह भी दो के वर्ल्ड कप से बाहर थे और भारत ऐसी नई नई पलयरों को आजमा रहा था जहाँ पर भारत दो के वर्ल्ड कप जीत सके आगे युवराज सिंह ने कहा है कि आपको ये पहचाना होता है कि आपके पास कौन से बेहतर खिलाड़ी हैं और फिर उसका सपोर्ट करना पड़ता है जैसे साल 2003 के वर्ल्ड कप को याद करते हुए उन्होंने कहा कि मैं और मोहम्मद कैब दोनों उस समय टीम में थे वही अगर 2019 के वर्ल्ड कप में भी अगर बात करें तो सबसे पहले ड्रॉप हुआ उन्होंने याद करते हुए कहा कि मैं सबसे पहले ड्रॉप हुआ और फिर मनीष पांडे इसके बाद के राहुल सुरेश चन्ना और फिर मैनेजमेंट ने राइडू पर भी हाथ हजमाया लेकिन राइडू को भी आठ नौ मैच खेलने के बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया वर्ल्ड कप से पहले हमें ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार मिली थी राइडू के लिए टूर्नामेंट उतना खास नहीं रहा था लेकिन इसके बावजूद भी नए नए प्लेयरों को सिलेक्टरों ने मौका दिया और चार नंबर पर अश अहमियत समझनी चाहिए थी लेकिन मैनेजमेंट ने ही इस चीज़ को गलत साबित किया और टीम इंडिया को उस पल का उस इंतज़ार की घड़ी का भी एक सपना था जो 2019 के वर्ल्ड कप का जीतने का वो चकनाचूर हो गया यानी कि युवराज सिंह का सीधा सीधा जो आरोप है वो सिलेक्टर्स के ऊपर है कि सिलेक्टर्स ने किसी भी पल्लर के ऊपर पूरा भरोसा नहीं जताया जिसकी वजह से टीम 2019 के वर्ल्ड कप में अपनी जो दावेदारी थी सबसे प्रबल दावेदारी थी जिसमें इंग्लैंड और टीम इंडिया को सबसे मजबूत दावेदार वर्ल्ड कप विजेता के रूप में माना जा रहा था लेकिन एक छोटी सी गलती यानी कि टीम इंडिया के मैनेजमेंट सेलेक्शन कमेटी की छोटी सी गलती की वजह से भारत को वह सिर्फ भारत ही नहीं कर सकते भारत के वो करोड़ों लाखों फैंस का सपना टूट गया था जो वर्ल्ड कप चार सालों का जो इंतज़ार था वो फिर से वीरान कर गया आइए बताते हैं कि युवराज सिंह ने आगे और भी क्या चीज़ यानी कि अपनी जो दुख है वो टीम इंडिया मैनेजमेंट के ऊपर फोड़ा है टीम इंडिया मैनेजमेंट के ऊपर निकाला है कि धोनी ही नहीं बल्कि वो मैनेजमेंट की गलती थी जिसकी वजह से करोड़ों फैंस का सपना टूट गया धोनी को लेकर युवराज ने कहा कि जिस खिलाड़ी ने पूरे वर्ल्ड कप में पाँचवें नंबर पर बल्लेबाजी की उन्हें सेमीफाइनल में दिनेश कार्तिक और हार्दिक पांड्या के पीछे भेजा गया यानी कि युवराज ने कहा कि उस दौरान धोनी को अगर ऊपर खिलाना चाहिए था अगर खिलाया जाता तो उन्होंने जिस तरह से पूरे टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्मेंस दिया था जिस तरह से उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी तो निश्चित तौर पे उसका एक बेनिफिट टीम इंडिया को जाता और टीम इंडिया निश्चित तौर से 2019 के वर्ल्ड कप जीतने में सफल होती साथ ही उन्होंने आगे कहा कि मैनेजमेंट पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि न जाने उस दौरान इस लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था जिसकी वजह से भारत को हार का मुंह देखना पड़ा और 2019 के एक बार फिर से विश्व विजेता बनने से भारत हार गया तो आपने इस खबर में देखा कि युवराज सिंह ने उस घड़ी उस पल को याद किया है जब भारत 2019 के वर्ल्ड कप के जीतने से लम्हे से कुछ ही पल दूर था और भारत के करोड़ों फैंस का सपना टूट गया था इसी प्रकार की और भी क्रिकेटिंग खबर के लिए बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को दबा लीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए नमस्कार शुक्रिया